राजगढ़ जिले में अब तक 10 इंच बारिश हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा में 3 इंच ज्यादा है। पिछले वर्ष 9 जुलाई तक करीब 7 इंच बारिश हुई थी। इस वर्ष अच्छी बारिश होने से मोहनपुरा डैम का जल स्तर भी बढ़कर वाटर लेवल 392.03 पर पहुंच गया। राजगढ़ SDM ने जिला परियोजना अधिकारी के मुताबिक 393 मीटर तक जल स्तर पहुंचने पर डैम के 17 गेट में से एक गेट खोला गया। वाटर लेवल क्रॉस हो गया था, इसलिए गेट 40 सेंटीमीटर तक खोला। डैम पर SDM श्रुति अग्रवाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी ने निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था व डैम का जायजा लिया। SDM ने डैम अधिकारी से चर्चा करते हुए पुलिस बल को सुरक्षा व्यवस्था की हिदायत देते हुए डैम के ऊपर व डैम के किनारे पर आम जन को नहीं जाने की बात कही। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मोहनपुरा कुंडलिया परियोजना प्रबंधन इकाई जी, डैम खोले हैं गेट के क्या कारण है? ये हमको 393 का स्तर मेंटेन करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसके लिए हमने न्यूनतम 40 सेंटीमीटर गेट खोले हैं, केवल एक नदी की धारा मेंटेन करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा नदी के पार को नहीं छोड़ेगा और वह न्यूनतम गेट खोले गए हैं। और भी गेट खोले जा सकते हैं जैसे निर्देश प्राप्त होंगे भविष्य में, वैसे। अच्छा, कुंडलिया डैम के भी गेट खोले गए हैं? कुंडलिया डैम का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, अब जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे आपको बताएंगे। खोले गए हैं क्या कारण? इनकी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है जिसमें हमको लेवल डैम के गेट्स का 393 अप्रॉक्स रखना है एंड हमारा वो लेवल क्रॉस होने वाला था, इसलिए हमने वो पानी को बहाने के लिए हमने वो गेट खोल दिया है। इसके लिए कितना पानी छोड़ा जा रहा है? अभी हमने जो गेट खोला है वो एक ही गेट खोला है, 8 नंबर का गेट, उसमें भी 40 सेंटीमीटर का गेट खोला हुआ। अच्छा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 के अप्रॉक्स। बारिश को देखते हुए आगे और भी गेट खोले जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हमें जो लेवल मेंटेन करना है वो लेवल मेंटेन करने के लिए हमें और भी गेट्स खोले।